एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? और मैं अभी उठी हूँ। थोड़ी देर पहले बुक ऑफिस जा चुका है और अभी मैं बना रही हूँ खाना। और मैं हूँ आज बिल्कुल अकेली। अभी तक 32 शिफ्ट है, वो चले गए, वहाँ भी मैं उन लोगों के साथ ही, बट आज काफ़ी टाइम बाद मैं बिल्कुल अकेली हूँ घर पर, तो मुझे इतना बुरा भी नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे हैबिट है रहने की। और बुग्गा को सुबह ब्रेकफास्ट रख दिया था, अभी बस खाना बनाना है। और अभी मैं और बुग्गा ही है घर पर, तो कम लोगों का खाना बनेगा तो यूँ मिनटों में बन जाएगा, कुछ मिनट में ही। सो आज मैं फिर से बना रही हूँ दाल, बस चावल बनने बाकी है। और रोटी तो मैंने सुबह ही बना ली थी जब मैंने बुग्गा का ब्रेकफास्ट बनाया था तभी। अभी हो चुकी है मैं नहा के रेडी और मैंने खाना भी खा लिया है। और आज मैंने करी है दो चोटी। मुझे ना पहले बड़ा शौक था दो चोटी करने का, फिर मैंने अभी बीच में बंद कर दिया था, बट अभी मुझे फिर से वो शौक मेरा जाग गया कि मैं फिर से दो चोटी करूं। और स्कूल लाइफ में तो हर कोई दो चोटी करके जाता है, अगर नहीं जाते तो मैडम पिटाई लगाती थी हम लोगों की। मुझे दो चोटी से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। और रमन को भी, जब रमन ने मुझे पहली बार देखा था तो मुझे दो चोटी में ही देखा था। मतलब ये सीन था कि रमन को दो चोटी बहुत ज़्यादा पसंद थी पहले से। फिर मैंने, मतलब जब रमन ने मुझे पहली बार देखा, हम लोगों ने ऐसे पता नहीं था कि हम लोग मिल रहे हैं, हम लोगों ने एक दूसरे को रैंडमली देखा था और तब मैं दो चोटी की हुई थी। और फिर रमन को मैं और ज़्यादा पसंद आ गई दो चोटी के चक्कर में। ये सीन था स्टार्टिंग का। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ दो चोटी में। अभी मैंने ये वाली कर रखी है, वैसे मैं ओपन वाली दो चोटी करती हूँ, बट ये भी बहुत प्यारी लग रही है। तो अभी मैं कुछ वीडियोस बना लेती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है करने के लिए, तो यही मेरा इकलौता काम। बट मैंने इतने टाइम बाद दो चोटी करी है तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, हैप्पी हैप्पी वाली। A few moments later. तो अभी मैंने अपना लुक चेंज कर लिया है, अब मैं इन कपड़ों में वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि इन कपड़ों में मैंने बहुत सारी बना ली हैं। और मैंने अपनी दो चोटी खोली तो मेरी करली करली बाल हुए हैं बहुत ज़्यादा, मुझे केचर लगाना पड़ा, वो यहाँ से इतने ज़्यादा फूल गए थे। मुझे कभी भी अपने करली हेयर करने होते हैं तो मैं दो चोटी कर लेती हूँ क्योंकि उससे मेरे बहुत अच्छे से करली हेयर हो जाते हैं। तो ये एक पर्सनल ट्रिक है मेरी जो मैं आप सभी को भी बता रही हूँ कि अगर आप सभी को भी अगर अपने करली हेयर करने हैं तो अपनी दो चोटी कर लिया करें। तो एक बार ये वाली ट्रिक आप जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना। सो सबसे पहले मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा काम, और उसके बाद मैं बनाऊंगी वीडियोस। आज इतने दिनों बाद धूप निकली है, मैंने तो पता नहीं कितने महीनों से नहीं, कितने दिनों से धूप को नहीं देखा, बट आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद है धूप। तो अभी मैं लेने गई थी चार महीने के लिए दूध, लेकिन उधर से मैं बहुत सारा सामान ले आई हूँ, खाने का भी और सब्जी भी ले आई हूँ मैं बहुत सारी। और आज मेरा एकदम से मन किया है साबूदाना खिचड़ी खाने का, तो अभी मैं वही बनाती हूँ मेरे लिए और बुग्गा के लिए, रात को बिछा के रख दूँगी क्योंकि बेचारा बुग्गा मेरे से करा के कह रहा तुमने मेरे लिए खिचड़ी नहीं बचाई। और हाँ, सबसे मेन इन्फॉर्मेशन, मुझे अभी अभी सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि घर पर कोई आने वाला है। अब कौन आने वाला है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं बताऊँगी जो भी आ रहा है उसके आने के बाद। मैं आपको इतनी हिंट दे देती हूँ कि वो लड़की है जो आने वाली है, और अब आप गैस करो कि वो कौन आ रहा है। सोचो, मैं तो आपको तभी बताऊंगी जब वो इंसान आ चुका होगा। सो जल्दी जल्दी गैस करो कि कौन आ रहा है। और अभी मैंने बढ़िया से सब्जी वो जमा दिया, और जो इंसान आने वाला था वो इंसान आ चुका है, वो कौन है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। हेलो, कौन कौन इस लड़की को जानता है? हाँ, सब जानते हैं। कौन कौन इसे जानता है मुझे कमेंट में बताना। ये है गायू, आप लोगों ने पिछले नहीं पहले बहुत पहले ब्लॉग में देखा होगा। और मैं फिर से आ रही हूँ। सो भी मैं पहले गायू के लिए बनाती हूँ चाय, क्योंकि उसका कहना है कि उसने काफी दिनों से चाय नहीं पी, उसे मेरे हाथ की चाय पीनी है बहुत ज्यादा। कैसा लगा आपको मुझसे मिलके? बहुत अच्छा। हम दोनों मिलते हैं बहुत कम है, पर बहुत ज्यादा है। हाँ, अब हम काफी ज्यादा मिला करेंगे। हाँ, इंदौर में रहने लगे हम। पता है जब मैं इंदौर नहीं रहती थी, गायू का कहना था कि दीदी आप इंदौर रहने लगो, इंदौर रहने लगो, क्योंकि गायू बहुत टाइम से हम लोगों को जानती है, वो ब्लॉग्स देखती थी, फिर उसे एकदम से पता चला कि मैं इंदौर आई हूँ, फिर हम लोग मिले उसके बाद। हाँ, फिर इसके बाद हम लोगों की बात हुई, फिर इसे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैंने इसका मैसेज बैक किया, और उसके बाद फिर मैं इंदौर आई, फिर हम लोग मिले, और फिर इसका कहना था कि दीदी आप भी इंदौर रहने लगो,
और मैंने इंदौर आ गए। हाँ वैसे और भी रीजंस थे मैं इंदौर आने के, उसमें से एक इसका भी था। मैं इम्पोर्टेंट ना। हाँ अब ऐसा है कि हम लोगों की बॉन्डिंग और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। हाँ सब कुछ शेयर कर देती हूँ मैं इनको। तो भी मैं और गायू हो चुके हैं रेडी शूट के लिए। गायू का कहना था कि उसे मेरी ये वाली साड़ी में शूट करना है। ये वाली जो साड़ी है वो मैंने पहले पहन रखी है, तो इसने उसे देखा तो ये कहती कि मुझे इसमें ही शूट करना है, अच्छी लग रही है। तो अभी हम लोग जाते हैं छत पे शूट करने के लिए, आप लोग भी चलो हमारे साथ। सो अभी हम लोग शूट से हो चुके हैं फ्री। इस टाइम कौन हो सकता है? कुत्ते जल्दी कैसे आ गए? क्यों? ओह मेरे लिए वाइट रोज, थैंक यू। आज मुझे पता नहीं था कि वो कितने जल्दी आ जाएगा, मुझे लगा कि ऊपर वाली दीदी आई है, क्योंकि आज वो कब बिल्कुल फिक्स टाइम पे आया जिस टाइम पे छुट्टी होती है। बहुत टाइम बाद। हाँ बहुत टाइम बाद ये दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि तुम पिछली बार आए थे तब थोड़ा सा ही मिल पाए थे तुम लोग। थोड़ा सा मिल पाए, थोड़ा। आज अपन जल्दी कैसे आ गए वैसे ये बताएंगे आप मुझे? ऐसे मैंने मुझे मुझे साली आई ना, साली ने बुला दिया। मुझे लगा पता है मतलब गलत है, मेरे लिए रोज मिल रहा है। पता है मुझे लगा कि ऊपर वाली दीदी आई। गुस्सा के साथ में लेके आया इडली। और अभी साथ में मेरा पार्सल भी आया था जो कि बुग्गा लेके आया है नीचे से। और अब गायू जा रही है तो हम जा रहे हैं उसको छोड़ने। और ये दोनों ये दोस्त भी हम नहीं छोड़ी तो दम देते रहते हो। हेलो गाइस, तो अभी सब हम लोग बस जस्ट अभी खाना खाया हुआ है और गायू भी चली गई थी, तो अब हम यहीं करते हैं ब्लॉग को एंड। और आप लोग बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग। बहुत मस्ती की आज हम लोगों ने, मतलब बुग्गा ने, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था और फिर बुग्गा बहुत थक गया है आज। तो अभी जस्ट ब्लॉग को एंड करते हैं। जिस जिसको कैसा लगा ब्लॉग वो कमेंट कर दे, और जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और फॉलो करो गाइस। नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।